न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। न्यूजीलैंड और यहाँ पे अफ्रीका ने दोस्तों जबरदस्त परफॉर्म किया और दोस्तों यहाँ तक पहुंची। अब कौन सी टीम यहाँ पे फाइनल ट्रॉफी उठाने वाली है और यहाँ पे इतिहास दोस्तों रचने वाली है। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वेन्यू की तो यहाँ पे दुबई का इंटरनेशनल स्टेडियम दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है और दोस्तों पिच का आपको पता है जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग करना फैसला करेगी। अगर दोस्तों यहाँ पे साउथ अफ्रीका जीतती है कौन से वो सात खिलाड़ी होंगे यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और यहाँ पर न्यूजीलैंड मैच हारती है तो कौन से वो चार खिलाड़ी होंगे जो दोस्तों यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और अगर यहाँ पर न्यूजीलैंड मैच को वन करेगी तो दोस्तों कौन से बल्लेबाज होंगे जहाँ पे परफॉर्म करेंगे और दोस्तों यहाँ पर ट्रॉफी को उठाएंगे। दोस्तों यहाँ पे दोनों टीम इतिहास रचने वाली है। दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कौन सी टीम यहाँ पे इतिहास रचेगी और यहाँ पे आईसीसी वर्ल्ड कप यहाँ पे ट्रॉफी उठाएगी। दोस्तों ज्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पे साउथ अफ्रीका दोस्तों बहुत ही जबरदस्त दोस्तों टीम नजर आई दोस्तों जो यहाँ तक पहुंची। दोस्तों मुझे लग रहा है यहाँ पे इतिहास इस बार साउथ अफ्रीका दोस्तों यहाँ पे रचने वाली है और दोस्तों यहाँ पे ट्रॉफी को उठाने वाली है। अगर दोस्तों यहाँ पे हेड टू हेड के बारे में बात करूँ तो दोनों टीमों के बीच नौ मुकाबले खेले गए हैं जिसमें दोस्तों यहाँ पे तीन मुकाबले साउथ अफ्रीका ने वन किए और यहाँ पे दोस्तों पांच मुकाबले न्यूजीलैंड ने वन किए। लेकिन दोस्तों ये आंकड़ा यहाँ पे पुराना है लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिसेंट फॉर्म के बारे में बात करूँ तो अफ्रीका दोस्तों यहाँ पे जबरदस्त दोस्तों फॉर्म में नजर आ रही है। दोस्तों बहुत ही कड़ी टक्कर यहाँ पे न्यूजीलैंड को देने वाली है। अगर टॉस दोस्तों इसके हाथ में पड़ गया तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैच भी वन कर सकती है, इसी दोस्तों के बारे में रखना। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ यहाँ पे दोस्तों मेरी फेवरेट टीम साउथ अफ्रीका के बारे में। अगर मैच को वन करती है तो सात प्लेयर आपको यहाँ पे कौन कौन से पिक करने और यहाँ पे सीबीसी आपको किसे ट्राई करना है और दोस्तों यहाँ पे न्यूजीलैंड के चार प्लेयर कौन से लेने आपको जो यहाँ पे दोस्तों परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि यहाँ पे अफ्रीका टॉस जीतती है और यहाँ पे बॉलिंग करना फैसला करती है तो इस कंडीशन दोस्तों यहाँ से हम मलहबा ए खाका दो दोस्तों यहाँ पे बॉलर पिक करके चलने वाले हैं दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट दोस्तों बॉलर होने वाले हैं आप यहाँ पे देख लो ए खाका और यहाँ पे मलहबा दोस्तों हम यहाँ पे लेके चलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे सीबीसी को बिल्कुल ट्राई नहीं है यहाँ पे करने के, सीबीसी ऑप्शन बिल्कुल अलग ही आपको यहाँ पे देने वाला हूँ मैं। एम कैप दोस्तों यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन रहने वाली है इस टीम की दोस्तों यहाँ पे जाने एम कैप तो आप इसको यहाँ पे लेके चलोगे और ये यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त दोस्तों परफॉर्म देने वाली। सी ट्राई ऑन दोस्तों आपको यहाँ पे लेके चलनी है, पिछले मैच में मेरी दोस्तों फ्लॉप थी लेकिन इस मुकाबले में यहाँ पे आपको लेके चलनी है और यहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली है। एंड डे तक दोस्तों आपको यहाँ पे लेके चलनी है दोस्तों ये पांच बॉलर हम यहाँ पे लेके चलने हैं तो बैटिंग से और बॉलिंग से आपको भरपूर पॉइंट देने वाले हैं। यहाँ पे अफ्रीका मैच ऑन करती है तो इनकी तरफ से बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आने वाली। अब बात करता हूँ मैं बैटिंग सेक्शन से दोस्तों यहाँ पे एल वॉलवर्ड और यहाँ पे डीप ड्रीस दोस्तों दोनों लेके चलने हैं, दोनों ओपनर यहाँ पे लेके चलने हैं क्योंकि दोस्तों जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं यहाँ पे दोनों ओपनर। अगर टॉस से बॉलिंग करती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे दोनों ही मैच खत्म कर दे ऐसा ना यहाँ पे दोस्तों हो जाए दोस्तों यहाँ पे दोनों अच्छी परफॉर्म दे और यहाँ पे दोस्तों मैच खत्म एम कैप या दोस्तों ट्राई ओवर मैच खत्म कर दे। अब बात करते हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड अगर हारती है तो इस कंडीशन में यहाँ पे चार प्लेयर दोस्तों कौन से रहने वाले हैं जो न्यूजीलैंड दोस्तों यहाँ परफॉर्म करेगी तो यहाँ पे दोस्तों हम लेके चलेंगे बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म दोस्तों यहाँ से आएगी आई गेज दोस्तों यहाँ लेके चलेंगे विकेट कीपर सेक्शन से। और दोस्तों यहाँ पे जाएंगे सीधा ऑलराउंडर सेक्शन से, यहाँ पे ले चलेंगे हम एच डिवाइन ए केयर। इस प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे 10 प्लेयर लेके चलेंगे, हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं 7 प्लेयर यहाँ पे अफ्रीका के और यहाँ पे 3 प्लेयर दोस्तों आ चुके हैं हमारे पास न्यूजीलैंड वुमेन के जिसमें 2 ऑलराउंडर हमारे पास दोस्तों आ चुके हैं तो बॉलिंग और बैटिंग से पॉइंट देने वाले और दोस्तों एक सिर्फ हम यहाँ पे बॉलर गिरने वाले हैं दोस्तों यहाँ से हम इनका एफ जोनस। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पे पहली टीम दोस्तों क्रिएट होती है जो कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका के पक्ष में। अब यहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन एक जबरदस्त ऑप्शन आपको देने वाला हूँ जो बिल्कुल यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और तब आप दोस्तों यहाँ पे विकेट निकाल कर देने वाले। अगर मैच वन करती है तो इसकी तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्म दोस्तों आने वाली है, आप इसी में रखना। यहाँ पे 2 ही दोस्तों जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं यहाँ पे सी टाइवन और यहाँ पे एंडे कलर कैप्टन बी सी एम कैप सबसे जबरदस्त दोस्तों ऑप्शन ये वाला और सेकेंड दोस्तों चाहो तो ये वाला। लेकिन अगर ग्रैंड लीग खेल ले तो एंडे कलर के साथ में जाओ और दोस्तों यहाँ पे अगर छोटी लीग खेले तो यहाँ पे आप सी टाइम के साथ में जाओ बस और बीसी आपको यही ट्राई करना, सीबीसी आपको यहाँ पे चेंज करनी है, कैप्टन चेंज करनी, बीसी आपको एक ही रखना। दोस्तों हमारे यहाँ पे पहली टीम बन चुकी है जो कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका के पक्ष में। सेकंड टीम की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्योंकि यहाँ पे चांस जीतने के अच्छे खासे यहाँ पे न्यूजीलैंड के भी हैं। अगर न्यूजीलैंड की वुमेन यहाँ पे मैच वन करती है तो 7 प्लेयर कौन से होने वाले जो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और वो 4 प्लेयर कौन से होंगे जो यहाँ पे दोस्तों हार कर परफॉर्म करेंगे अफ्रीका के साइड से और यहाँ पे सीबीसी ऑप्शन क्या रहने वाला। सबसे पहले दोस्तों यहाँ से ई कास्कोन बहुत ही जबरदस्त बॉलर है आपको यहाँ पे लेके चलनी। सेकंड दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे एल ताऊ, थर्ड ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आर मेयर, एफ जोनस दोस्तों फिलहाल मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। 3 दोस्तों बॉलर मैं यहाँ पे पिक करने वाला हूँ जो एक जबरदस्त परफॉर्म देंगे अगर मैच ऑन करेगी न्यूजीलैंड। दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन से एक एयर और यहाँ पे एच डी में पिक करनी है, हमारे पास यहाँ पे 5 प्लेयर आ चुके हैं और दोस्तों सिर्फ हम यहाँ से 2 ही प्लेयर लेके चलेंगे। न्यूजीलैंड को मैंने 7 प्लेयर हम यहाँ पे पिक करने वाले हैं, दोनों दोस्तों ओपनर लेके चलेंगे और यहाँ पे 2 ऑलराउंडर और यहाँ पे 3 दोस्तों बॉलर लेके चलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे अफ्रीका के 4 प्लेयर के बारे में, यहाँ से दोस्तों हमने कोई पिक नहीं किया, हम यहाँ से एस चाफर लेके चलेंगे। हालांकि एस चाफर दोस्तों बहुत ही अच्छी बैटिंग करती है तो आप यहाँ पे आई गेज के साथ दोस्तों जा सकते हो, आप इसके यहाँ पे एड प्लेयर कर सकते हो जो आपको यहाँ पे कैसे दोस्तों पॉइंट दे सकती है। सेकंड दोस्तों यहाँ से लेंगे एम कैप, बहुत ही अच्छी दोस्तों यहाँ पे बॉलर और यहाँ बैटर ऑलराउंडर है, एक परफॉर्म दोस्तों यहाँ पे आपको दे सकती है।
और दोस्तों यहाँ से लेंगे हम ए बोच। दोस्तों यहाँ से ये तीन प्लेयर मिल चुके हैं अफ्रीका साइड से, तो परफॉर्म करेंगे दोस्तों यहाँ से ही परफॉर्म आने वाली है। और सेकंड दोस्तों यहाँ पे लास्ट प्लेयर आएगा एंडे कलर ही। दोस्तों मैच खत्म करने वाली है ऑलराउंडर सेक्शन से ही, और यहाँ पे इस प्रकार की टीम बनाएंगे और एक बेहतरीन टीम दोस्तों नजर आ रही है। दोस्तों मुझे यहाँ पे कम से कम 9 प्लेयर ड्रीम टीम में दोस्तों अत्यधिक नजर आ रहे हैं। सीवीसी दोस्तों बात करने वाला हूँ। सीवीसी दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त रिस्क ले रहा है दोस्तों, यहाँ पे एच डिवाइन और यहाँ पे दोस्तों ए कैर के साथ में। और सेकंड आपको बताऊंगा ऑप्शन, यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन दोस्तों ये रहने वाला है, यहाँ पे बिल्कुल सेफ ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों, परफॉर्म यहाँ से आने वाली। और अगर आप यहाँ पे चाहो तो दोस्तों यहाँ पे एक ही बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है हेल्थावर, यहाँ पे दोस्तों एच डिवाइन के साथ में, ये दोस्तों यहाँ पे सेकंड ऑप्शन रहने वाला। और इनसे बाहर कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों नहीं जाने वाला, और यहाँ पे बैटिंग टीम बनने वाली। आई होप दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फटाफट दोस्तों यहाँ पे वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे दोस्तों धमाकेदार कॉम्बिनेशन बैटिंग टीम के साथ। तो दोस्तों बाय बाय, अपना ख्याल रखना।